नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खून के इन्फेक्शन की और खून का गाढ़ापन। अक्सर लोगों का गलत डाइट, गलत एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वगैरह ना करने की वजह से धीरे धीरे खून उनका खराब हो जाता है, जो कई गंभीर परेशानियों का कारण बनता है, कई बीमारियां बनती है इससे। तो खून का जो थक्का जमना है या खून में जो इन्फेक्शन है, उन सारी बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको कुछ बताएंगे घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप इन सारी समस्याओं को घर पर ही ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, खून अशुद्ध होने का जो कारण होता है वो आप जो रोजाना भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें सोडियम यूरिया आदि की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके खून में मिल जाते हैं और ये कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। यदि आपकी किडनियां बहुत सुस्त है, कमजोर है, बीमार है, तो ये तत्व जो है, विषैले तत्व जो मल मूत्र से बाहर नहीं निकल पाते, ये आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। इनके कुछ छोटे लक्षण बता देता हूं मैं आपको। लगातार यदि आप बीमार रहते हैं, आपको भूख कम लगती है, आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको स्किन में कोई इन्फेक्शन, कोई रोग, स्किन का कोई भी रोग, इन सारी परेशानियों की जो जड़ होती है स्किन की प्रॉब्लम की, वो होती है खून का खराब होना। इसके अलावा जिन लोगों की आंखें कमजोर हो रही है, कमजोर होती जा रही, चश्मा लग गया, उन सबके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनका खून खराब होता जा रहा है। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, उन सबके लिए जरूरी है कि वो घरेलू नुस्खों का उपयोग करें ताकि उनका खून साफ हो सके, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण खून खराब होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। खून के अंदर विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ जाने पर ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। खून का साफ होना क्यों जरूरी है? खून में गंदगी होने पर कील, मुहासे, त्वचा रोग, दाग धब्बे और किडनी के रोग हो सकते हैं, इसलिए इसका साफ होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार आहार आपके शरीर को पोषण देने के साथ साथ खून की गंदगी भी साफ करता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही आयुर्वेदिक और घरेलू तरीके बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता ले, इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और रोज हमारे वीडियो देख पाए, उनसे फायदा भी उठा पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं खून की गंदगी को किस तरीके से घरेलू नुस्खों के माध्यम से ठीक करें या साफ करें। जिन लोगों का रक्त ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है, किसी के ब्लड में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उनके त्वचा पर संक्रमण या त्वचा संबंधित बीमारियां हो रही है, तो उनके लिए बड़ा आसान सा एक मैं तरीका बताता हूं। अक्सर आपने देखा होगा पुराने लोग खाना खाने के बाद में सौंफ का जरूर इस्तेमाल करते थे। सौंफ सबसे ज्यादा कारगर है घरेलू उपाय में। घरेलू उपाय में यदि आप सौंफ का नियमित सेवन करते हैं, उस स्थिति में जब आपको बड़ी कील मुहासों की दिक्कत हो रही है या स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो यदि आप नियमित इसका सेवन करते रहते हैं, तो ये आपके शरीर का जो खून होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। ये इसके खाने से बराबर साफ होता रहता है, शरीर की गंदगी बाहर निकलती रहती है। एक और इसमें अच्छी चीज बता दूं, यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। रोजाना खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद लगभग 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर जरूर खाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा सुबह उठकर यदि आप गुनगुना पानी पीते हैं, हल्का गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा नींबू मिलाकर यदि आप रोज पीते हैं, तो आपका वजन तो घटेगा, साथ में पाचन क्रिया अच्छी होगी और यह आपकी ब्लड को भी साफ करने में मददगार है। नीम सभी लोग जानते होंगे, नीम के पत्ते, निमोली, छाल, जड़, इन सभी के सब ये खून साफ करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। इन सबको इकट्ठा करके थोड़ी मात्रा में आप उबालें इसको पानी में। उबालने के बाद उस पानी को छानकर दिन में केवल 1 कप एक बार पी लें, आपकी सारी ब्लड संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लहसुन, अदरक और प्याज तीनों घरों में भरपूर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनको खाना है कच्चा। यदि आप कच्चा इनका थोड़ा सा सलाद में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना, थोड़ी सी मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपको ब्लड के संबंधित, खून के संबंधित कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और यदि आप पहले से इनका सेवन करते रहते हैं, तो कभी आपको ये समस्या नहीं होगी। इनको सुपर फूड फूड बोलते हैं। ये खून साफ करने के मदद के साथ में इसके अलावा भी सैकड़ों बीमारियों में फायदा करते हैं।
एक सब्जी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च इस चीज में बहुत कारगर है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए बी सी से भरपूर शिमला मिर्च रक्त का जो सर्कुलेशन है उसको बहुत अच्छा तेज बनाती है और शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है, जो गंदगी है, जो विषैले पदार्थ है उनको निकालने में बहुत ज्यादा मददगार है। इसका हफ्ते में एक बार जरूर सेवन करें, सिंपल ही सब्जी बनाकर खा सकते हैं। साथ ही ये आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करती है। हल्दी हर घर में प्रयोग होती है, हल्दी सबसे ज्यादा कमाल की चीज है ब्लड के लिए, यह बहुत अच्छा एंटीबायोटिक, घरेलू एंटीबायोटिक है। साथ ही धमनियों की जो सूजन होती है इसको भी कम करती है, धमनियों में वसा को भी नहीं जमने देती है और खून को साफ करने में बहुत ज्यादा मददगार है। इसके अलावा आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेला भी इस चीज में बहुत कारगर है। दो बार ताजा करेले का जूस यदि आप सेवन करते हैं तो भी बहुत फायदा मिलेगा, करेले की सब्जी बना के भी खा सकते हैं। मुनक्का, ये पहले के समय में हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी, 25 ग्राम मुनक्के को रात भर भिगो दें, सुबह इसे पीस कर एक कप पानी में मिलाकर रोजाना पिए, जीवन में कभी आपको खून के संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों एक बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक नुस्खा और बताना चाहूंगा, चिरायता, चिरायता सभी लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो पंसारी की दुकान से ले लें, आसानी से मिलने वाली औषधि है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और जो लोग पहचानते होंगे उनको कहीं पर भी मिल सकती है, ये जगह जगह उगती रहती है। तो सुबह के समय चिरायते की कुछ पत्तियों को पीस कर दो या चार पत्तियां ले लें, एक गिलास पानी में मिलाकर पी जाए, भयंकर से भयंकर ब्लड में इंफेक्शन वाली समस्याओं, खून गाढ़ा होता हो, इन सारी समस्याओं के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपाय है, जरूर इसका उपयोग करें यदि आप भी इन सब समस्याओं से पीड़ित हो तो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।